अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग द वेदर। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जो बेसिकली रिलेटेड है हमारी कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे थे अमेबा, और इसके अलावा हमने 3 मेजर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू सीलिएट्स। जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सीलिएट्स, इसमें हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो सीलिएट्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा हम इसको डिटेल से डिस्कस भी करते हैं विद डायग्राम। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 7 किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे सीलिएट के इंट्रोडक्शन से। सीलिएट्स का इंट्रोडक्शन हम इस तरह से देंगे कि ये जो हैं बेसिकली दीज आर नोन एज ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड एज ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स एंड इनकी जो बॉडी है उसमें एक स्पेशल करैक्टर है जिसमें हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। सीलिएट्स जो हैं मोस्टली आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तौर पे मिलते हैं विद अ फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग विच वी कॉल पेलिकल। सीलिएट्स की बॉडी कवरिंग जो है इज डन बाय पेलिकल, और ये जो है पेलिकल ये जो है इसको एक डेफिनेट शेप देती है और इसको हेल्प करती है टू चेंज द शेप। इसमें हम ये कह सकते हैं कि पेलिकल की खासियत ये है, इसका करैक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है चेंजेबल शेप में इसको ले जा सकती है सीलिएट्स को। अब हम आ जाते हैं बेटा सीलिएट्स में हमारे पास एग्जांपल डिस्कस करने के लिए। इसमें जो आपने एग्जांपल डिस्कस करनी है इट इज़ रिलेटेड टू पैरामीशियम। पैरामीशियम को हम एज एन एग्जांपल डिस्कस करेंगे इन सीलिएट्स। पैरामीशियम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए दे आर यूनिसेलुलर विद द शेप रिजेंबलिंग टू द शू सोल। इसकी जो शक्ल है बिल्कुल आपके शू सोल की तरह होती है, और इसके अलावा अगर आप इसकी आउटर सरफेस को देखें तो इसकी जो सरफेस है इट कवर्स विद 1000 फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल्ड सीलिया। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन आउटर बॉडी जो कि फाइन थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। तो सीलिया का बेसिकली फंक्शन क्या है? सीलिया जो है दे बीट, बीट का मतलब ये है कि ये आगे पीछे मूवमेंट में इनको हेल्प देते हैं, यानी कि बीट का मतलब वैसे होता है कि मारना या जो है वो एक फोर्स एग्जर्ट करना जिसकी वजह से कोई चीज़ जो है वो आगे की तरफ मूव हो सके। इन बायोलॉजिकल सेंस हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सीलिया जो है वो बीट करेंगे इन सच अ प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फैशन कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आगे की तरफ मूव करें और बैक साइड पे मूव कर सके और टर्न अराउंड हो सके। सो बीटिंग फैशन जो है इसका हेल्प्स इन फॉरवर्ड मूवमेंट इसके अलावा इन बैकवर्ड मूवमेंट और टर्निंग अराउंड जिसको हम कहते हैं ये उससे रिलेटेड होता है। ये आपकी जो सीलिया है
पैरामीशियम में ये उनका फंक्शन है। बेटा सीलिया जो इनके अंदर मौजूद हैं और जो इनकी बॉडी है वो किस तरह की होती है, अब हम वो बना के देखते हैं इसकी डायग्राम के साथ। अब हम इसकी डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम अगर आप देखें, जो हमारे पास पैरामीशियम होता है उसकी शेप आपको कुछ इस तरह से मिलती है। यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब इसमें आपने देखना है जो आपके पैरामीशियम की जो बॉडी है, इट इज़ कवर्ड बाय फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह के फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में इसकी बॉडी कवर्ड है। इसके अलावा इसके अंदर इसके कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से मौजूद होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है, किस किस डेस्टिनेशन पे वो आपको नज़र आ सकते हैं विद इन द सेल ऑफ द पैरामीशियम, और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स और क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा आपको इसमें कुछ छोटे छोटे इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, दीज आर नोन एज माइक्रो न्यूक्लियस। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बड़ा सा पोर्शन नज़र आएगा विच वी कॉल्ड मेगा न्यूक्लियस। इसके अलावा आपको यहाँ पे मौजूद नज़र आएगा साइटोप्लाज्म। और इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं इसकी यहाँ पे ये जो ग्रूव आपको नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी जो अंदर की साइड पे नज़र आ रही है चीज़, इसको हम कहते हैं ओरल ग्रूव। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंटरनली एक छोटा सा होलो स्फीयर नज़र आता है, इसको हम कहते हैं सेल माउथ, या हम इसको साइटोसोम भी कहते हैं, साइटोस्टोम। इसके अलावा आपको यहाँ पे इसका एक छोटा सा पोर्शन नज़र आएगा, इसको हम कहते हैं एनल पोर, और यहीं पे आपको कुछ बड़े बड़े वैक्यूल्स नज़र आते हैं, दे आर टर्म्ड एज फूड वैक्यूल, इन्हें हम फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने थोड़े और इसके इंट्रोडक्शन पे, सीलिएट्स से ही रिलेटेड जो हम पैरामीशियम अभी डिस्कस कर रहे थे और सीलिएट्स को डिस्कस कर रहे थे। ये डायग्राम ज़रूरी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको याद रखना है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि हमारे पास और इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। अगर हम सीलिएट्स के करेक्टर्स को देखें बेटा, आप अगर इनकी बॉडी को देखें तो ये नॉर्मली सजाइल होते हैं, दे आर टर्म्ड एज सजाइल इन नेचर। सजाइल से मुराद क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही जगह रह के अपनी होल लाइफ कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम सजाइल कहते हैं, दे आर सजाइल इन नेचर। और इसके अलावा ये किससे अटैच हो सकते हैं, दे कैन अटैच टू रॉक, रॉक के साथ अटैच हो सकते हैं और वहाँ पे चिपक के ये सारी ज़िंदगी अपन गुजार देते हैं, और अदर सरफेसेस जो इनको मिलती हैं उनके साथ ये अटैच हो जाते हैं। इनके सीलिया जो हैं बेटा ये वाटर करंट का काम करते हैं, विच स्पेशली ड्रॉ फूड टूवर्ड्स दैम। तो सीलिया जो हैं हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल फॉर सीलिएट।
इसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारे सीलिएट्स ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी टाइनी एंटिटीज पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें जैसे कि हम कह सकते हैं बैक्टीरिया और दूसरे छोटे मोटे प्रोटिस्ट होते हैं, ये उनको खा के अपना गुजारा करते हैं। तो इनके अंदर अगर आप इंजेशन प्रोसेस देखें, जो यहाँ पे मैंने आपको माउथ दिखाया है, सेल माउथ जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसके थ्रू क्या करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियास को और छोटे छोटे प्रोटिस्ट्स को जो है ये इंजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट सर्टन बैक्टीरियास एंड टाइनी प्रोटिस्ट्स। इसके अलावा अगर आप इसको इसकी लाइफ स्टाइल देखें और आप इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें, तो आपको पता चलता है कि दे बेसिकली सस्टेन देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ वाटर रेगुलेशन। वाटर रेगुलेशन ये करेंगे, इन फ्रेश वाटर, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसके अलावा सीलिएट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं बाय स्पेशल ऑर्गेनेलीज जिनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनके अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वाटर का कंट्रोल जो है इसको ये जो है वो मॉनिटर करता है, इसी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें दिया गया है। इट इज़ अ स्पेशल ऑर्गेनेली टू कंट्रोल द वाटर प्रेशर इन साइड द पैरामीशियम और सम सीलिएट्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के न्यूक्लियाई का जिक्र किया है हमने, एक हमारे पास है बेटा इसमें माइक्रो न्यूक्लियाई आपके पास जो बेटा माइक्रो न्यूक्लियाई है इसको हम कहते हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, और इसके अलावा इनका फंक्शन होता है इन सेक्सुअल प्रोसेसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये आपको मिलता है पॉलीप्लॉयड स्टेज में, मतलब मोर देन टू। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये जो है इट इज़ अ लार्ज टाइप ऑफ न्यूक्लियस विच हेल्प अंडर गो विच हेल्प इन द डायरेक्ट डिवीजन ऑफ माइटोसिस, हेल्प्स इन माइटोसिस। माइटोसिस जो आप पहले से पढ़ते आए हैं ये उसके प्रोसेस में उसको कंटिन्यू करने में जो है ये हेल्प करता है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है बेटा इसका जो मैक्रो न्यूक्लियस है आपके पास यहाँ पे, इसमें एक सबसे बड़ा फंक्शन जो है आप इसमें देख सकते हैं, इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ एज वेल। तो आप कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस के पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करता है, टू कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। ये इसके बेसिक फंक्शंस थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बेटा हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म पे जिसको हम डिस्कस करते हैं, विच वी कॉल्ड फॉरमिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोर्ट्स, जो हम अभी यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं। फॉरमिनिफेरेंस और एक्टिनोपोर्ट्स जो हैं दे आर आल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं, ये भी प्रोटिस्ट की जो है वो किंगडम में आते हैं। अब इनके क्या क्या फंक्शन हैं और ये कैसे अपनी लाइफ सस्टेन करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनकी सेल किस तरह से होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है, ये सारी चीज़ हम अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो हियर वी गो विथ फॉरमिनिफेरेंस एंड एक्टिनोपोर्ट्स।
फॉरमिनिफेरेंस और एक्टिनोपोड्स को हम थोड़ा सा अलग अलग करके डिस्कस करते हैं ताकि आपको इनका डिफरेंस समझ में आना शुरू हो जाए। एक तरफ हम फॉरमिनिफेरेंस को करते हैं और एक तरफ हम एक्टिनोपोड्स को करते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है सबसे पहले इनके करेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग। फॉरमिनिफेरेंस जो है बेटा, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में फोरम्स भी कहते हैं। दे आर नोन एज फोरम्स एज अ शॉर्ट फॉर्म। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद शेल और टेस्ट्स। इनकी बॉडी जो है आपको शेल ये टेस्ट की फॉर्म में मिलती है, जिसे हम इंटरनल शेल भी कह सकते हैं। और शेल्स जो होते हैं वो आपको डेफिनेटली नज़र आते हैं एज एक्सटर्नल और इंटरनल शेल। तो आप इसमें दोनों चीज़ें देख सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल शेल्स। अब आपने देखना है कि ये जो हैं बेसिकली कहलाते हैं फॉरमिनिफेरेंस एज मैरीन प्रोटोजोन्स। इनको हम कहते हैं मैरीन प्रोटोजोन्स। इसके अलावा आप इनमें देख सकते हैं इनका जो टेस्ट है फॉरमिनिफेरन का, वो कैल्शियम से मिलके बना हुआ होता है, इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। वेयर एज एक्टिनोपोड्स का जो शेल है बेटा, वो आपको बना हुआ मिलता है किससे? सिलिका से। तो आप कहते हैं इनका जो शेल इज मेड अप ऑफ सिलिका। अब हम आ जाते हैं शेल्स और टेस्ट के बारे में बात करने के लिए, जो इनकी कवरिंग है बेसिकली। इनके अंदर होते हैं पोर्स थ्रू विच द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैन बी प्रोट्रूड आउट और कैन बी एक्सटेंडेड। तो ये जो आपके पास शेल्स और टेस्ट हैं बेसिकली, ये क्या करते हैं, ये जो है अपने अंदर से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस को जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो इनमें मौजूद होते हैं पोर्स थ्रू विच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस एक्सटेंड आउट। इसके अलावा अगर हम देखें जो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो हैं बेटा, ये क्या होती हैं, दे फॉर्म अ स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट जो कि इसके अंदर मौजूद होता है। और इस की जो सबसे बड़ी खसूसियत जो इनके अंदर ये मौजूद है, इंटरकनेक्टेड नेट जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके प्रे जो होते हैं जिनका इन्होंने शिकार करना होता है, ये उसको ट्रैप कर लेता है। ये ट्रैप्स द प्रे, अपने शिकार को पकड़ते हैं इस इंटरकनेक्टेड नेट के थ्रू। इसके अलावा अगर आप देखें, ये तो कुछ लाइव फॉरमिनिफेरेंस के बारे में हमने बात की। कुछ डेड फॉरमिनिफेरेंस होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द बॉटम ऑफ द ओशन एंड द सीज, वेयर देयर शेल्स फॉर्म अ ग्रे मड दैट इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू चॉक। ये जब डेड हो जाते हैं तो ये गहरे पानी में, गहरे समंदर में, बिल्कुल बॉटम में चले जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ जाके ये चूने लायक स्ट्रक्चर, जैसे चूना होता है ना, बिल्कुल जैसे वाइट चौक आपने देखी है, ये बिल्कुल इस तरह का एक ग्रे मड लायक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ चौक में। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ चौक। इसके अलावा फॉरमिनिफेरेंस जो हैं बेटा, ज़्यादातर जो एंशिएंट हैं और जो बहुत पुराने अरसे से मौजूद रहे हैं, अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जो उनकी डेड बॉडीज़ या लाइक उनका डेड स्ट्रक्चर जो है, वो बेसिकली डेपोजिट्स बनाने का काम कर चुका है। लाइमस्टोन डेपोजिट्स अंडर द सी, अंडर द शैलो वाटर जो है, जो बड़े बड़े समंदर हैं उसके अंदर जो है ये मौजूद हैं एज अ
डेपोजिट ऑफ लाइमस्टोन जो कि पुराने फॉरेमिनिफेरेंस हैं या डेड फॉरेमिनिफेरेंस हैं जो पास्ट में मौजूद रहे हैं हमारे पास। एक्टिनोपोड्स के बारे में हम बात करते हैं बेटा। एक्टिनोपोड्स जो हैं ये क्लास एक्टिनोपोडा से ताल्लुक़ रखते हैं एंड दे ड्रॉन अंडर द सब फाइलम सार्कोडिना। इनका जो सब फाइलम है बेटा वो आपको मिलता है सार्कोडिना। इसके अलावा हम देखते हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्लैंकटोनिक मैरीन ऑर्गेनिज्म। प्लैंकटोन्स के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ अ टर्म यूज फॉर द प्लांट्स। तो ये बनाते हैं आपके प्लैंकटोनिक मैरीन ऑर्गेनिज्म्स। इसके अलावा ये आपको मिलते हैं इन द फ्रेश वाटर, और इसके अलावा आपको इनके कुछ मेंबर मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने फॉरेमिनिफेरेंस के बारे में पढ़ा है, तो इनके कुछ मेंबर क्लास फॉरेमिनिफेरा से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेजॉरिटी जो एक्टिनोपोड्स की है बेटा वो शेल प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। हम इसमें कहेंगे मेजॉरिटी ऑफ एक्टिनोपोड्स आर शेल प्रोटोजोअन्स। ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं फ्रॉम अदर नेकेड मेंबर्स ऑफ दैट फाइलम। तो ये जो हैं आपको नज़र आते हैं कुछ इस तरह से। इसकी मैं डायग्राम आपके साथ शेयर करती हूँ। ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। ये बिल्कुल आपको बीच में से स्फेयर लाइक नज़र आएगा।